किससे बनारस के, किससे बनारस के। ये जो मेरा बनारस है ना, बहुत ही अनोखा है। जो बाहर से घूमने आते हैं उन्हें तो ये घाट, मंदिर, गलियां दिखते हैं, लेकिन जो यहाँ बसते हैं उन्हें पता है कि यहाँ की रगों में एक बेहद खूबसूरत अलहर मदमस्त दीवानगी छाई रहती है। ये जो छोटी छोटी गलियां हैं और इनमें जो पुराने पुराने मकान हैं, इन हर गली में, हर चौराहे पर खूबसूरत कहानियों का इतिहास छुपा है। याद आ जाता है बचपन की वो यादें, कोई रिक्शा पर सवार, कोई साइकिल पर, कोई छुप छुपाते सबसे नजरें बचाते उन्हें देखता, तो कभी सहेलियां खिलखिला के हंस के छेड़ जाती। समय भी तो था वो 90s का, जो लव स्टोरीज का जमाना था, लेकिन बनारस में लव स्टोरीज थोड़ा मुश्किल होता था। मुश्किल क्यों? क्योंकि सबको पड़ोस वाली चाची का जो डर लगा रहता था। लेकिन भाई, प्यार तो प्यार है, इकरार हो ना हो, साकार हो ना हो, एतबार हो ना हो। अरे बॉलीवुड का वो गाना भी तो है ना, हाँ, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। बॉलीवुड ने बहुत दिल से बनारस को जोड़ रखा है, और इस जुड़ाव की कड़ी में हमारे बनारस की शान और बॉलीवुड के सितारे निवान सेन तो सबसे अहम है। अहम इसलिए क्योंकि हम एक ही मोहल्ले के थे, और मुझे यकीन है कि इनकार, टकरार और प्यार के किस्से तो निवान के पास खूब सारे होंगे। हाय निवान। हे, हाय प्रीति, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? यार लॉकडाउन में कैसा चल रहा है क्या बताऊं यार, पिछले 2-3 महीने से घर में बैठे बैठे एकदम जो है मूड हो गया खराब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कोई मतलब, आई मीन सबके लिए अच्छी चीज है, मतलब घर पे आप अगर आप रह रहे हैं तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। आप एक कॉज के लिए घर में रह रहे हैं कि उस कोरोना वायरस ज्यादा स्प्रेड ना हो, आप एक सोशल कॉज को भी ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल, जो हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे आम लोगों से कि भाई आप घर पे रहिए जितना हो सके, उसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बट साइकोलॉजिकली ये होता है यार, मतलब एक लिमिट होता है ना, हम लोग कभी यूज टू नहीं है दिन भर काम करने वाला आदमी। बिल्कुल, वो तो है, आप ट्रैप्ड हो जाते हैं। बिल्कुल, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है दिमाग। हमारे लिए भी ये चीज हो रहा ही होगा, मेरे साथ भी हो रहा है। मैं भी यहाँ दिल्ली में लॉकडाउन में बैठी हूँ, दूसरों को देखती हूँ बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ कभी कभी, लेकिन कभी कभी मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है, और कुछ एक सबसे ज्यादा मिसिंग हो रहा है। यार मिसिंग की जहाँ तक बात है, हमेशा तो सोचने का मौका नहीं मिलता, इतनी भागती दौड़ती जिंदगी बम्बई की है, लेकिन यार जब एक बार मौका इतना मिला है सोचने का, तो घर को बहुत मिस कर रहा हूँ, अपने बनारस को बहुत मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल, और मतलब जैसे कि तुम भी बनारस ही हो और मैं भी बनारस से हूँ, तुम समझ सकती हो उस चीज को, कि एक नॉस्टैल्जिया होता है ना। आजकल पोस्ट भी देखता हूँ, इतने सारे आते रहते हैं बनारस के, लोग डालते रहते हैं बहुत सारे फेसबुक में, ऑल सोशल नेटवर्किंग पे, तो देख करके और भी और ज्यादा याद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, घर की याद आ रही है। इनफैक्ट मजे की बात पता है, मतलब मजे की क्या, दुख की बात है, मेरा एक्चुअली टिकट भी था बनारस जाने का, और लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मैंने बड़ा सोच के रखा था कि मतलब अभी बनारस जाऊंगी तो सबसे पहले काशी चाट भंडार जाऊंगी, थोड़ा सा चाट खाऊंगी, गुलाप्पा खाऊंगी, फिर घाट में भी बैठना है। मतलब एक बनारस जाने से पहले ही मतलब प्लानिंग चल जाती है कि मतलब ये करना है। हम लोग मतलब ऐसे शहर में पैदा हुए जहाँ पे दूध, दही, मलाई, रबड़ी, चाट, मतलब बनारस इसीलिए जाना ही जाता है खाने पीने को लेकर। बिल्कुल, और बनारस में सुबह होगा, हाँ बस दोनों साथ में ही बोले, सुबह सुबह जलेबी कचौड़ी। अरे यार मत बोलो, एकदम जब दो बनारसी मिलते हैं तो फिर बनारस की बातें शुरू हो जाती है। तुम भी बाहर रहती हो दिल्ली में, और मैं भी पिछले 10 साल से ज्यादा हो गया, 12 साल से मैं बॉम्बे शहर में रह रहा हूँ, तो अपने शहर को बहुत मिस करता हूँ यार। मेरा जो बेस्ट टाइम रहा है अपने बनारस का, वो मेरे स्कूल टाइम रहा है यार। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम रहा है। कुछ अपने जिंदगी के, अपने स्कूल टाइम के कुछ किस्से याद आ गए,
मैं तुमको और तुम्हारे जरिए जो लोग इस बात को सुनेंगे उनको उनसे अपने अपने स्कूल टाइम के मेमोरीज को, अपने स्कूल टाइम के जो अपने अपने इंसिडेंट्स हैं, अपनी घटनाएं हैं ढेर सारी, उनको शेयर करूंगा। और वो शायद आई मीन अभी के लोगों के लिए शायद बड़ा अजीब सा होगा, उनको शायद फिल्मों में देखते होंगे इस चीज को, बट वी हैव, हम लोगों ने उस जिंदगी को जिया है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक मेरा प्रश्न भी है, प्रश्न ये है मेरा कि उस समय जैसे हम लोग भी स्कूल में थे और 8-9 का जो एज है, 8-9 में पढ़ रहे हैं फिर 10th में आ रहे हैं, तो वो समय भाई पिक्चरें भी आ रही थी, कुछ कुछ होता है और इस टाइप की पिक्चरें भी दिमाग में बहुत चलती थी। देखा है पहली बार, वो भी था एक समय। हाँ, ये भी था। तो उसमें क्या वो पहला प्यार वाला एक फीलिंग आ जाता था ना कि भाई प्यार हो गया, मतलब जीवन साथी है, इसी के साथ शादी होने वाली है और यही मेरा, मतलब कहते हैं ना, लाइफ पार्टनर। वो स्टॉकिंग वाला सेंस नहीं था उस टाइम, मैं बोल दूं, जो हमारे सुनने वाले हैं जो नए जमाने के हैं वो कहेंगे भाई पिछले जमाने में आप लोग स्टॉकिंग करते थे, तो ये स्टॉकिंग का सेंस नहीं था। ये उस समय हम लोगों का जो सेंसिबिलिटी रहता था वो रहता था कि अगर मतलब वो लड़की पीछे मुड़ के देख रही है तो यही मेरी जीवन साथी है, बस इसी से प्यार हो गया और सातवें जन्म का रिश्ता इसी से था, अभी सातवें जन्म में अभी मिले हैं, ये वाला फीलिंग कहीं ना कहीं था। आप शायद मेरे साथ बिल्कुल सहमत हो गए इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात थी उस समय, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टॉकिंग वर्ड ही तो अभी आया है, स्टॉकिंग वर्ड तो आज तक ने सुना ही नहीं आज तक इसके बारे में। स्टॉकिंग तो बहुत दूर की बात है। तो खैर, ये किस्सा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं जब स्कूल में था, मैं क्लास 9th से 10th में था, तो हमारे क्लास में क्या था, मैं तुम्हें एक किस्सा सुना रहा हूँ कि हाँ, मेरे क्लास में एक लड़का हुआ करता था। वो बंदा ऐसा था कि वो मेरे बड़े भाई के क्लास में था एक जमाने में। भैया दो क्लास फेल करके बेचारे पास ही नहीं हो पाए, मैं उसकी क्लास तक पहुंच गया। अच्छा, है ना, भैया दो बार फेल होके उसी क्लास में रह गया और मैं उनके क्लास में पहुंच गया, ऐसा हो गया। उसका नाम था चौधरी। अच्छा, जो लोग भी अगर बनाए उसके लोग सुन रहे हैं या क्या, चौधरी भी नहीं भी सुना होगा। तो इसी बीच में थोड़ा सा ये भी बोल देती हूँ, क्योंकि बनारसी जो सुन रहे होंगे उनको और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे वो, कि हम लोगों का जो दोनों का स्कूल था वो सुनारपुरा में। राइट, वो मैं आने ही वाला था, उसके उसमें भी आऊंगा। ये जरूरी पार्ट है, तब और ज्यादा रिलेटिव हो जाएगा। तो अब मजे की बात क्या थी कि यार हम लोग बॉयज स्कूल में पढ़ते थे। मेरे अब हाँ मैं ये बता रहा था कि मेरे क्लास में एक चौधरी नाम का लड़का था जो दो क्लास सीनियर था और फेल होने के बाद मेरे क्लास में आ गया। अब भैया उसकी आदत क्या थी, गुटखा बहुत खाता था उस समय। मुझे याद है लक्ष्मी और जगत करके गुटखा था, 30 पैसा या 35 पैसा या 40 पैसा, बाद में 1 रुपया हो गया था, लेकिन उस समय 30-40-45 इतनी पैसे का आता था उस समय, ऐसा ही कुछ रेट था। तो भैया क्या करते थे, हम क्लास बंक कर देते थे, उसकी कहानी किसी को सुनने की, उसके बाद बहुत सारी कहानी आती थी। अच्छा, और कहानी का मसला जो उसका हुआ करता था, लड़कियां उसके कहानी में, क्योंकि सीनियर था और एक चीज था, एज में बड़ा था हमसे, तो उसके कहानी किस्सों में लड़कियां हमेशा केंद्र बिंदु हुआ करती थी। अच्छा, मतलब वो अपने तजुर्बे बता रहा था हमको, मतलब एक तरीके का लव गुरु कह सकते हैं, लव गुरु आप कह सकते हैं उसको, लव गुरु, वो हमें गाइड करता था। और हम बेचारे सब बॉयज कॉलेज के इनोसेंट बच्चे, हम इनोसेंट ही, अब तो लगता है सच में इनोसेंट ही, ये सही बात है। उस समय तो हम क्या करते थे, क्लास बंक करके हमारे फ्रंट गेट के थोड़ा सा अंदर की तरफ एक ऐसे सीढ़ी बनी थी, 3-4 स्टेप की सीढ़ी, और हमारे स्कूल की खासियत थी अंग्रेजों के जमाने की स्कूल एकदम बना हुआ था, वैसे कंस्ट्रक्शन आज भी है, बहुत ही खूबसूरत, दूर से जैसे लगता था लाल किला, रेड फोर्ट की तरह लगता था। और टीचर भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही प्यारे थे, मारपीट ज्यादा करते थे, पिटाई भी बहुत होती थी, लेकिन अच्छे लोग थे सारे। तो हम लोग क्लास बंक करके उसके पास बैठे थे चौधरी के पास। चौधरी भैया पहले बोलते थे जाके गुटखा ले आओ। हमारी कहानी सुननी है तो पहले गुटखा खिलाओ। हम बिल्कुल हम बोलते थे ठीक है भैया गुटखा खिला देते हैं। तो वो बनारस में बोला गुरु ऐसे ऐसे गुटखा का जो रैपर था लेके आता था, मैं या कोई एक बंदा चला गया, वो ला खिलाया, तो उसने ऐसे गुटखे का रैपर फाड़ा, मुंह में डाला है और फाड़ने के बाद ऐसे करता था धुआं वहां से, उसके बाद ऐसे मुंह में मुझे लगाने के बाद ऐसे बात कर रहा है, देखो गुरु लड़की पटाना होता है ना, उसकी आधी बात समझ में आती थी आधी नहीं आती थी, तो दोबारा पूछना पड़ा, मतलब देखा गुरु अलसन है कि लड़की पटाना जो है वो एक मुंह के बगल से वो गुटखा भी गिर रहा है, तो उसको पूछते हुए, अरे बाप रे, अच्छा
वो पटाखे पकाना एक आर्ट है, कला है। और तुम लोगों को मैं बताऊं कि आज से एक साल पहले मेरी चार लड़कियां गर्लफ्रेंड हुआ करती थी मेरे गांव में, अभी किस्सा शुरू हो गया यहाँ से इनका। अच्छा। हम बड़े ध्यान से मेरे अंदर क्या क्यूरियोसिटी का बहुत बड़ा कीड़ा है पूछने का, आज भी कहा जाता है वो कीड़ा क्या। मैंने पूछा थे चौधरी भैया, चौधरी भाई यार, चौधरी एक बात बताओ यार, मैं ना अब यार करके बात करते थे स्कूल में था, अपने क्लास में आ गया था, पहले भैया कहते थे, बाद में यारी बोल दिया उसको। मैं उसके बीच में पूछा कि मतलब मेरा भी कुछ ऐसा नैना राइटिंग टाइप का काम चल रहा है कई महीनों से, पिछले 6 महीने से किसी लड़की के साथ। अब वो क्या है वो किस्सा मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो अब हुआ ये नैना फाइटिंग जो है ना, ये हमारे उस समय की लैंग्वेज अचानक से उस दौर में पहुंच गया, तो अपने आप इतने सालों बाद तुम यकीन नहीं मानोगे ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ये मैं भूल गया था ये वर्ड नैना फाइटिंग। तो अब मैं ये एक किस्सा चल रहा था मेरे साथ पिछले 4-5 महीने से, तो मैं अब उससे सवाल पूछ रहा हूँ। अब वो हमें बताता कि कैसे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको वो लव गुरु को मैंने अपने इंसिडेंट सुनाया कि यार एक लड़की है, रोज सुबह आता हूँ अपने स्कूल की तरफ, अपना हम लोग कॉलेज बोलते थे, मतलब 12th मतलब कॉलेज, तो भैया 8 में भी हम कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। कभी तो सुन के हंसी आती है कि मतलब कॉलेज तो 12th के बाद होता है, लेकिन हमारे लिए बड़ा रेस्पेक्टेबल है, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत एकदम ग्रेटिट्यूड, एकदम रेस्पेक्टेड, मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हैं। खैर, तो वो भैया हमें सोल्यूशन दे रहे हैं वो, कि देखो गुरु ऐसा है कि लड़कियों को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, तुम उनको देखी है कि नहीं? तो हाँ देखती तो है। अब तुम उसको रोज देखो, अब वो मुझे बता रहा है आइडिया कैसे। अब मैं तुम्हें पीछे जाके, अब तुम्हें मैं पीछे जाके एक इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब 9:30-10 बजे लड़कियां स्कूल जाना शुरू करती थी, और मेरे घर से मतलब मुझे घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगता था पैदल वॉक करते हुए। तो मैं क्या करता था, अपने घर से आधा घंटा पहले निकल जाता था। मेरे बाबा बोलते थे, पापा बोलते थे मेरे को कि तुम ये आधे घंटे पहले, इतने पढ़ाकू है भैया मेरा बेटा, आधे घंटे पहले घर से निकलता, उनको क्या पता कि मैं वहां 15 मिनट सोनारपुरा चौराहे पे चाय की दुकान पे खड़े होकर के टाइम का वेट करता हूँ। और जैसे ही लड़की वो पिंक ड्रेस पहन के दिख जाती सामने, आना, ओ गॉड, बस यही तो अचीवमेंट है, मतलब अब लाइफ में कुछ नहीं, बस अब चलना शुरू करो यहाँ से। तब तक कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता था ना उस समय, अपने पास तो कोई टीवी नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, कुछ नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, है ना, तो ये हमारा इंटरटेनमेंट हुआ करता था उस समय, मतलब कोई दिख जाए, और मतलब कोई ऐसा इवन इंटेंशन नहीं होता था कि किसी को छेड़ना है, कुछ नहीं, खाली वो देखना बस, कि कोई आ रहा है दूर से और कोई हमें देख ले, दैट वाज द बिगेस्ट प्रेयर ऑफ गॉड, किसी ने देख लिया हमें। तो अब जैसे ही 9:30 बजा, एक उन भीड़ में कई लड़कियां भीड़ में आती थी, 8-10, कोई अकेले आ रहा है कोई, तो उसमें दो लड़कियां हमेशा ऐसी मतलब डिसेंट लुकिंग गर्ल जो दूर से चली आती थी, और मैं जैसे ही गुजरता था तो उसमें से दोनों लड़कियां मेरी तरफ देख के हंसती थी। अब मुझे आज तक नहीं पता इसके बारे में, अभी तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, मुझे आज तक ये बात नहीं पता कि वो लड़कियां मुझे देखकर हंसती थी या अपने में आपस में बात करते हुए हंसती थी, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे देख के हंस रही है, और शायद बनारसी लैंग्वेज में पढ़ गई है मुझसे, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने अब कट टू, मैं चौधरी की बात पहुंच गया, मतलब ये मैं तुम्हें फ्लैशबैक में कहानी सुना रहा था। चौधरी से मैं पूछ रहा था कि यार ये दो लड़कियां हैं जो मुझे देखती हैं, तो कह रहे दोनों को पता होगा, ऐसे गुटका खा के बोल रहा मुझसे, पूछा दोनों को पता होगा। मैंने अरे नहीं नहीं दोनों को नहीं पटाऊंगा, मतलब पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी लड़की उनको देखती है। मैंने कहा वो जो उस तरफ जाती है, देखिए कितना इनोसेंट है बातों में, अब उसको बताना पड़ेगा मुझे कि उधर वाली की इधर वाली, उसने देखा भी नहीं है, सोचो हाइट, सोचो अंडरस्टैंड, उस लड़की को उसने देखा भी नहीं है, वो मुझसे पूछ रहा है लिटरली किधर वाली, मतलब उधर राइट वाली की लेफ्ट वाली, उसका भी इनोसेंट है, सुनो और अब कौन सी वाली, लेफ्ट वाली की राइट वाली। अब मैंने ये नहीं सोच रहा हूँ कि वो वहां पे पहुंच के देख नहीं पा रहा, मैं भी उसको बता रहा हूँ नहीं नहीं वो जो इस तरफ रहती है, मतलब राइट मेरी तरफ, वो देखती है सर उनको। मैंने कहा हाँ देखती तो है रोज, स्माइल करती है, स्माइल करती है, अच्छा अच्छा। अब मुझे वो राय दे रहा है कि एक काम करो, वो शाम को कितने बजे छुट्टी होती है? मैंने कहा यार वही 4 बजे करीब। कह रहा है अब वो लड़की का भी क्या था, कई बार साइकिल से आती थी
और कई बार पैदल आती थी, ऐसा भी था कई बार रिक्शे से जाती थी। तो ये सारी बातें मैंने डिटेल में चौधरी को बताई, तो उसने कहा एक काम करो तुम उस लड़की के पीछे जाना शुरू कर दो, जैसे छुट्टी हो अगर साइकिल लेके आए तो तुम साइकिल लेके जाओ, है ना, रिक्शे से जाए तो भी साइकिल से जाओ, और पैदल जाए तो फिर तो पैदल जाते ही हो तुम। मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार साला, पीछे लड़की के पीछे जाना मतलब हमारे उस समय हमारे जिस समय मैं स्कूल में था मतलब बहुत बड़ा मतलब पाप माना जाता था, पाप लड़की के पीछे जाना मतलब कोई देख ले चाचा भाई मतलब रिश्तेदार तो मतलब बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा मतलब डर भी था, बहुत इनोसेंस था, मैं बता रहा हूँ प्यार मोहब्बत मतलब लोग बहुत शिद्दत से करते थे, बिल्कुल बहुत मतलब कोई प्यार कर रहा है तो उसका मतलब एक ही लड़की से प्यार करना उसी से शादी करना ऐसा सोच था वो, बहुत आई मीन बहुत 100 में शायद 20% लोग ऐसे होंगे जो मैनिपुलेटिव होंगे जिनकी मानसिकता बहुत ज्यादा दूषित होगी, लेकिन 80% जो प्यार करने वाले मजनू टाइप के लोग थे जिनको प्यार कभी मिलता नहीं था वो बेचारे ऐसे ही होते थे लड़की के पीछे जाना। अरे ऐसे ऐसे किस्से हैं भाई साहब। तो मैं उसकी बात समझ गया चौधरी। अब मैंने क्या किया, अब वो जाते समय तो देख ही लेती थी मैं उसमें, हाँ एक चीज और बता दूं, मैं फुटबॉल खेलता था सिगरा स्टेडियम में, जो बनारस के लोग उनको पता है सिगरा स्टेडियम, हाँ, मैं फुटबॉल खेला करता था। तो शाम को मैं साइकिल लेकर के पापा से बोलता था, सुबह तो प्रैक्टिस करता ही था, दोबारा उस लड़की के चक्कर में मैंने शाम को भी स्टेडियम जाना शुरू कर दिया। अब वो लड़की कहाँ तक जाती थी, रथ यात्रा तक। अच्छा, अब पता नहीं वो लड़की सुन रही होगी कि क्या पता है मैं मतलब तो मैं उस लड़की के पीछे उसका वेट करता था सुनारपुरा में, वो चाय की दुकान थी मंदिर के बगल में। अच्छा। क्या तो नाम था उसका भाई साहब, वो मतलब हम सब लोगों का एकदम फेवरेट चाय की दुकान हुआ करती थी। चाय तो ठीक बनाता था लेकिन चाय से ज्यादा क्योंकि लोग गुजरते थे वहां पे, लड़कियां गुजरती थी, हमारे लिए सबसे बड़ा स्कूल के टाइम पे, और उस चाय वाला तो इतना खुन्नस में रहता था उसका बाप, 3-4 बजे उसका बाप बैठता था, उसको लगता था हमने कोई पाप कर दिया उसके यहाँ चाय की दुकान पे बैठ करके, मतलब आधा घंटा बैठा के चाय नहीं मिलेगा, भोजपुरी वो बनारस ही बोलता था चाय नहीं मिली चला यहाँ से निकला, तो हम लोग बोलते थे अच्छा। तो खैर वो तो वहां खड़े होकर मैं इंतजार करता था ये देखते हुए कि कोई देख ना ले। खैर जैसी लड़की गई अब उसके पीछे चलना शुरू किया, लड़की वैसे ही स्माइल कर रही है, रथ यात्रा तक पहुंचा उतना ही, बस उतना ही ड्रॉप, जैसे कोई भाई नहीं होता है, जैसे अगर आप अलग अलग एस्पेक्ट में देखे भाई बहन को छोड़ने जा रहा हूं ऐसा, हाँ। मतलब अब फील ऐसा होता है, तब तो नहीं होता, तब तो लगता था कि वो अजय देवगन की फिल्म देख के आया और उसके बाद लड़की जैसे लड़के का पीछा कर रही है और लड़की फ्लैट हो गई और एकदम फिदा हो गई, वैसा एकदम फील है ना, कुमार शानू के गाने और अभिजीत के गाने सुनकर। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मैं कट्टू एकदम आता हूँ, क्या हुआ एकदम इंसिडेंट क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा कई मतलब यू वोंट बिलीव, महीनों भर मैं उसके साइकिल से, वो पानी पूरी भी खा रही है गोलगप्पे खा रही है साइकिल से उतर करके कमच्छा पे, तो मैं दूर अपनी साइकिल रोक करके उसको देख रहा हूँ कि वो गोलगप्पे खा रही है, वो लड़की जानती भी नहीं है मुझे, बट एक आध बार देख लिया उसने ऐसे मुस्कुरा दिया उतना ही मेरे लिए काफी था। एक दिन की बात बता रहा हूँ, जिस दिन हमारा एक लास्ट क्लाइमेट देगा, मैं एक दिन देखा कि दोपहर को हमारा रिसेस टाइम था है ना, अच्छा। तो हम लोग गेट पे आ जाते थे तो मैंने देखा वो लड़की जा रही, छुट्टी हो गई, मैंने कहा क्या इतनी जल्दी, मतलब बहुत बड़ा मतलब दिल बैठ जाता था मतलब अगर जल्दी छुट्टी हो गई तो मैं तुरंत साइकिल लेकर के मैंने कहा भैया अब तो कुछ बाहर खड़ा हो गया साइकिल लेकर के, तो देखा वो लड़की वेट किए जा रहा हूँ देखा वो लड़की आई, अंत में वो लड़की अपने एक फ्रेंड के साथ बैठ के जा रही है, और वो फ्रेंड मैं उसके पीछे भी जाने लगा धीरे धीरे साइकिल चलाकर, रिक्शा वाला कितनी देर चलाएगा। अब वो लड़की कमक्षा में उतर गई, सीएचएस स्कूल नहीं अपना, स्कूल के बाद उतर गई। अब मैं उस लड़की के पीछे पीछे रथ यात्रा तक गया, उसके बाद उस लड़की ने रथ यात्रा पे उतर के क्रॉसिंग पे उतर के पैदल चलना शुरू किया, मैंने कहा ये पैदल क्यों चलने लगी, मैंने अब मेरे दिल में लग रहा है कि शायद मतलब अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं एक लेटर लिखा था मैंने तकरीबन 5 पेज का, वही मैं पूछने वाली थी कि उस समय लेटर का बहुत चलन था। हाँ मैं ये चीज बताना भूल गया था, 5 पेज का रात रात जाग करके एकदम स्क्रीन प्ले जैसे होता ना पूरा डिटेल में कि मैं आपको पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ रोज, पूरी कहानी लिख डाली मैं, लिखने का शौक तो बचपन से ही था, मैंने पूरी कहानी 5 पेज पे लिख डाली और लड़की जानती तक नहीं मुझे, मजे की बात देखिए। अब वो लेटर मैंने अपने जेब में रखा हुआ है, और उस जमाने में लेटर का चलन भी हुआ करता था। हाँ क्या कुछ बोला है,
मैंने कहा वही खूबसूरती है कि वो जानती भी नहीं है, लेकिन आप इतना शिद्दत से उसको चाह रहे हैं, उसका उसके मतलब टेक केयर कर रहे हैं, प्रोटेक्टिवनेस भी है एक, और वो शायद चाट वाट खा रही है तो आप खुश भी हो रहे होंगे मन में कि अरे गजब आज तो उसने चलो थोड़ा गोलगप्पा ही खाया, तो मतलब उसकी खुशी में आपकी खुशी। अरे खुशी उशी नहीं, हालत खराब रहती थी, ये फटी पड़ी रहती थी, दिल धक 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 धक, कोई देख ना ले, कोई कुछ लड़की ने कुछ बोल दिया, मतलब वो कोई मजे की बात नहीं थी मेरे लिए उसके उसको पीछा करना। हाँ हाँ, मैं तो जानता ही नहीं कि रिएक्शन क्या होता है लड़कियों का, वो तो फिल्मों में देखा है ना भाई, कभी किसी लड़की को प्रपोज थोड़ी किया था मैंने, बॉयज कॉलेज में पढ़ते थे बनारस में, ये भी एक चक्कर है, नहीं पता हम लोग आदि मानव थे पूरा कहा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस में ये भी एक चक्कर है, हम सबका वो प्रॉब्लम था कि भैया कोई देख न ले, कोई देख न ले, चाचा जी मामा जी ताऊ जी मामा जी के दोस्त ताऊ जी के दोस्त चाचा जी के दोस्त, वो एक फैक्टर तो वो तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बट हम लोग पूरे पूरे आदि मानव थे, हमको तो बॉयज कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के को तो पता ही नहीं है कि लड़कियां इजहार भी कैसे करती हैं प्यार का, वो तो पता ही नहीं है ना भाई। बच्चे फिल्में देखी दो चार ऐसे बंक करके क्लास, वो भी एक अलग किस्सा, भी किसी दिन बताऊंगा क्या चक्कर था वो फ्री में फिल्में देखने का। खैर तो बहुत सारी कहानियां यार, तो क्या हुआ मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा साइकिल लेकर के, ठीक है रथ यात्रा से चले जाओ, तो जो लोग उधर रहते हैं या बनारस के लोग उनको पता होगा, वहां पे जो पहला मोड़ है वो मोड़ तक पहुंच के उस मोड़ पे घुसी, तो मैंने कहा अरे मोड़ में चली गई तो मुझे दिखना बंद हो गया, मैंने तुरंत साइकिल पे बैठ के तेज से साइकिल चलाया, उसके पास पहुंचा, देखा वहीं के खड़ी है वो, तो एक सेकंड के लिए मेरे आंखों के सामने एकदम लगा धक हो गया मेरा दिल कि आज लगता है मेरा, मैं इसको लेटर दूंगा और मतलब आज ये बोलेगी आई लव यू और ऐसा कुछ शायद तो बोल देगी, पता नहीं कुछ मतलब फिल्म देख करके तो ऐसा कुछ सीखा था हमने, पता थोड़ी था क्या बोलेगी, पता ही नहीं था, लेकिन दिल में था कि चौधरी ने बोल रखा है कि लड़की शर्माएगी तो समझ लेना कि यार अगर शर्मा के आंखें नीचे कर ले, ऐसा बताता था वो, देखो गुरु अगर लड़की तुम्हारा लेटर लेके अगर समझो कि नजर नीचे करके मुस्कुरा दी ना तो समझ लेना काम हो गया तुम्हारा, मामला पट गई। तो मैंने बोला तो भाई वही दिल में था भैया, चौधरी ने बोला हुआ है, तो भाई मैं साइकिल रोका, दिल धक 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 कर रहा है भाई साहब, और मैं यू वोंट बिलीव, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं जैसे ही दो कदम आगे बढ़ा और जेब में हाथ डालने ही गया, वो लड़की एकदम से चीखी कमीने कुत्ते मैं अपने भाई को बुला लूंगी बचाओ, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अच्छा ओ गॉड, आज तक मुझे याद है यार, मतलब मैं वहां खड़े खड़े ब्लैकआउट हो गया, मेरे आंख के सामने अंधेरा छा गया, इतनी तेज चीखी उस लड़की ने, ओ गॉड यू वोंट बिलीव, मैं 5 से 10 मिनट तक उसी जगह खड़ा रहा एकदम, और लड़की चली गई बोल चिल्लाते हुए। अच्छा, गली के मोड़ पे पान वाला था वो पान वाला घूम के मुझे देख रहा है, वो लड़की को नहीं देख पाया, वो मुझे देख रहा है और चीखती हुई आवाज को देखा उसने। अच्छा, इतना बड़ा सदमा लगा मुझे, मैं बोला ओ गॉड, मतलब किस दुनिया में जी रहे थे दीवार वाला, सही में मतलब दिल टूटने की बस आवाज नहीं आई, मतलब इतने महीनों का सपना, इतनी हफ्ते भर की लेटर की राइटिंग, ओ भाई साहब, मैं साइकिल मोड़ा और मतलब साइकिल पर चढ़ा नहीं, मैं पैदल अपने स्कूल तक आया, मतलब साइकिल पकड़े पकड़े, और कब पहुंचा मुझे पता नहीं, इतना दुखी हो गया मैं उस दिन के बाद, उस दिन दैट वाज द डे, ये मेरा एक मेरे लाइफ का एक पहला लव, शायरी वायरी भी हुई मतलब दिल टूटने के बाद? नहीं 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 नहीं, दिल टूटा नहीं ना, मैं डर गया यार, दहशत अच्छा, में आ गया। अच्छा, दिल टूटने का मतलब मैं, इट वाज, ये मेरी जिंदगी का पहला एनकाउंटर था किसी लड़की के साथ। अच्छा, कभी किसी अच्छा, लड़की से मतलब कभी किसी लड़की से बात भी नहीं, पहली बार मतलब क्लास 7th 8th 9th ऐसे ही कुछ होगा, तो उसमें किसी लड़की से हिम्मत करके किसी एक सीनियर ने मुझे बताया इस तरीके से जाके बात करो, और बात करने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन था मेरे जीवन का, ओह गॉड, मैं आज भी याद करता हूँ इंसिडेंट को, ओह गॉड, वो लड़की मतलब मेरे लिए उसका स्माइल करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन उस दिन जो उसका विकराल रूप देखा चिखते हुए, तो मैं अपने आप को शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर के लेवल पे लेके आ गया वो फिल्मी, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर, और अच्छा है मैं तो कहूंगी ऐसा हुआ, अच्छा है। अरे नहीं, ये कोई एक किस्सा नहीं, ये तो शुरुआत थी,
किससे की शुरुआत हुई ना, किससे बनारस की जो है उसके उसकी शुरुआत हुई, आगाज हुई, एक किस्सा बन गया. बिल्कुल, ये आई मीन दैट वाज माय बिगेस्ट सरप्राइज, मतलब मेरे जीवन का एक इतना बड़ा सदमा था उस लड़की ने दिया. खैर, चौधरी उसके बाद मुझे मिले और उन्होंने मुझे कंसोल किया, बोलता अमा गुरु मेरी बात सुनो, लड़कियां आइटिंग है यार, बकवास लड़की थी, बहुत लड़की आएंगी तुम्हारी जिंदगी. तो उसने मुझे मेरे मनोबल को और मेरे 5 रुपए का और गुटखा खा के 10 दिन तक उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया गुटखा खा कर. और वो बिना गुटखे के बात नहीं करता था, आज भी मुझे याद है, कभी उसकी आत्मा आ जाती है जब मैं उसकी बात करता हूँ, नॉर्मली बात नहीं करूंगा चौधरी का, गुटखा रख के मुंह में बात करता था वो. खैर, अगर मैं बंगला भाषा में कहूँ, मतलब हमारे घर पे अगर कोई बहुत शरारते करता है बच्चा, बंगाली फैमिली में एक कथन है, कथन जिसको कहते हैं, तो ये जो आपके भैया है जो गुटका वाले भैया, क्या नाम बताया आपने, चौधरी भैया, तो बंगला में अगर हमारे घर में मतलब मम्मी या मासी या बुआ होंगी तो वो कहेंगे भैया ये चौधरी टाई नोस्टेर गोड़ा, मतलब यही है सबसे बड़ा जड़, हाँ इसी ने सब मतलब करा है सब कुछ. किस्सों के इस सिलसिले में हो गई ना बनारस की यादें ताजा, हो गया ना फिर से एक बार अपने बनारस से प्यार. लेकिन किस्सों का ये सफर जारी है नवीन के साथ, अभी कुछ और दिलचस्प बातें सुनते रहिए किस्से बनारस के अगला एपिसोड.